डियर स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीरीज में आज हम लोग ट्रायंगल का सेंट्रोइड कैलकुलेट करेंगे। यानी अगर एक ट्रायंगल गिवन है जिसके वर्टिसेस गिवन है तो उसके सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट को पता करेंगे। लेट अस इमेजिन दैट कि वी हैव ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस ए बी सी, जिसका कोऑर्डिनेट ए का कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन, बी का कोऑर्डिनेट एक्स टू वाई टू, and let coordinate of C is x3, y3. Okay. Now, what is the meaning of median? Median किसको बोलते हैं? या centroid किसको बोलते हैं? Do you know? क्या आप जानते हैं कि centroid जो है, वो actually point of intersection of medians होता है. Centroid की definition क्या है? Centroid जो है, वो किसी ट्रायंगल के जो मीडियंस हैं उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और मीडियन किसको बोलते हैं? वो पॉइंट अगर हम क्या करते हैं, सी से सी के वर्टेक्स को ए बी के जो मिड पॉइंट है उसको जो ज्वाइन करेंगे वो लाइन मीडियन कहलाती है। सो लेट इसका मतलब डी क्या है? डी मिड पॉइंट है। डी किसका मिड पॉइंट है? ए बी का मिड पॉइंट है। तो डी के कोऑर्डिनेट बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला क्या हो जाएगा? एक्स वन प्लस एक्स टू बाय टू एंड वाई वन प्लस वाई टू बाय टू। सो दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए बी का ये मिड पॉइंट हो गया। ओके, नाउ सेंट्रोइड मीनिंग अगर इधर भी मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो ये जहां पर कट करता है इस लाइन को, ये दोनों लाइनें जहां कट करेंगी वो सेंट्रोइड होगा। और जनरली हम उसको कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ज्योमेट्री की एक प्रॉपर्टी है कि जी जो है वो इसको 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। सेंट्रोइड जो पॉइंट सेंट्रोइड है वो मीडियन को 2:1 रेशियो में हमेशा डिवाइड करता है। इसका मतलब सी का कोऑर्डिनेट और डी के कोऑर्डिनेट पता है और हमें रेशियो भी पता है तो हम जी का कोऑर्डिनेट पता कर सकते हैं। सो नाउ व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ जी? ओके, लाइक दिस, इस 2 को यहां मल्टीप्लाई करेंगे। इसको ऐसे ले सकते हैं कि अगर ये एक्स वन वाई वन है, ये एक्स टू वाई टू है तो रेशियो एम इज टू एन है। सो लेट्स सॉल्व एम एक्स टू, मींस 2 इनटू लाइक दिस 2 इनटू एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू एंड इस 2 को हमने इसे मल्टीप्लाई किया है। ओके, और इसमें क्या ऐड करेंगे? प्लस 1 इंटू एक्स थ्री। सो 1 इंटू एक्स थ्री एंड होल डिवाइडेड बाय, इसको किसे डिवाइड करना है? 2 प्लस 1। सिमिलरली वाई के लिए हो जाएगा, वाई के लिए क्या होगा? 2 इंटू वाई वन प्लस वाई टू बाई टू प्लस 1 इंटू वाई थ्री एंड द होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। सो जी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? जी विल बी एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाय थ्री, क्योंकि ये 2 2 से कैंसिल हो गया, ये 2 2 से कैंसिल हो गया। सो अगेन यहाँ पर एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, 2 प्लस 1 3। सिमिलरली वी हैव वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री बाय थ्री। सो अगर एक ट्राइंगल गिवन है, एक ट्राइंगल जिसके वर्टिसेस ए बी सी हैं और अगर उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री है तो, और जी अगर सेंट्रोइड है तो सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स वन प्लस एक्स टू बाई थ्री, वाई वन प्लस वाई टू बाई थ्री एंड एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई थ्री, वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री बाई थ्री। आपको समझ में आया कैसे हमने कैलकुलेट किया है? हम लोगों ने पहले क्या किया? डी सी डी मीडियन है तो डी के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट किए। डी ए बी का मीडियन है तो डी का कोऑर्डिनेट यूज करने के लिए हमने क्या यूज किया? विद द हेल्प ऑफ मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूले की हेल्प से ये कोऑर्डिनेट कैलकुलेट हो गया। एंड देन हम लोगों ने जी कैलकुलेट किया है ना। जी के लिए एक प्रॉपर्टी यूज की है और वो प्रॉपर्टी क्या है कि जो सी डी एक मीडियन है तो पॉइंट जी क्या करता है? सी डी को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो हमने फिर सेक्शन फॉर्मूले को यूज कर लिया। नहीं, हम एक ही तरह के फॉर्मूले को दो बार यूज कर रहे हैं, एक बार मिड पॉइंट फॉर्मूला और एक बार सेक्शन फॉर्मूला। और सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से हम लोगों ने ये कैलकुलेट किया है। इसी तरीके से हम लोग इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इनको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आप फर्दर कैलकुलेशन के लिए और इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की रिमेनिंग टॉपिक्स के लिए मेरा वीडियो देखना ना भूले। और इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। एंड ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के द्वारा जरूर बताएं। ओके, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।